आपका क्या चल रहा है सर, ये उपचुनाव की तैयारी आपके यहाँ कैसी चल रही है और कैसे मुकाबला करेंगे? बीजेपी तो कह रही है अनिला सिंह जी की बहुत तैयारी के साथ आपका करारा जवाब देने के लिए आ रही है। हाँ, बात तो सही कह रही है अनिला जी कि बड़ी करारी तैयारी चल रही है, लेकिन ये करारी तैयारी हमको जवाब देने के लिए नहीं चल रही, ये आपस में एक दूसरे को जवाब देने के लिए चल रही है। योगी जी दिल्ली को जवाब दे रहे हैं शाहजी को, शाहजी किसी और को जवाब दे रहे हैं, शाहजी ने जवाब देने के लिए योगी जी को एक मौर्य जी को रख लिया है। तो यहां पर वो जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है ना सर, वो चल रहा है इन लोगों का, और वो भी भ्रष्टाचार की बंदर माट के लिए कि हमें ये विभाग दे दो, हमें ये मुख्यमंत्री दे दो, हमें ऐसा कर दो, हमें वैसा कर दो। और शुद्ध रूप से जब कहते हैं ये लोग कि क्या नाम, हम जनता के लिए, तो आप हमको पिछले 20 दिन में बता दीजिए जनता के हित का इन्होंने एक काम किया हो। हाँ, योगी जी ने मोदी जी से कहा, मोदी जी ने केशव जी से कहा, केशव जी ने फलाने ने कहा, दो उप मुख्यमंत्री और क्या नाम प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री एक जगह बैठे, मुख्यमंत्री जो है बनारस चले गए, इस तरीके की आप आज तक कभी आपने भाषा सुनी थी, भाषण सुना था? तो ये लोग बिल्कुल जवाब देंगे लेकिन हमको नहीं देंगे, आपस में एक दूसरे को देंगे। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, आपस में आप लड़िए भिड़िए खून खच्चर कीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम जनता के हितों की तो बात कर लीजिए। आप आरओ की परीक्षा को आपने कहा था 6 महीने के अंदर कर देंगे, पुलिस की भर्ती का तो आज आपने शेड्यूल दे दिया, आरओ की भर्ती का क्या नाम आप शेड्यूल कब देंगे? और इसमें भी क्या जिम्मेवारी आप लेंगे कि जो और 15,000 कांस्टेबल की भर्ती खाली हो गई है, जो और क्या नाम रिटायर हो गए इस ड्यूरेशन में, उनको भी आप क्या नाम इनकॉर्पोरेट करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी आप बताएंगे क्या? जो सबसे बड़ी बात है, आप सर बाई इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्टेड है आपकी पार्टी? अपना इच्छा है सर, हम तो 10 की 10 सीटों पर लड़ रहे हैं बाई इलेक्शन, और 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। आज अविनाश पांडे जी लखनऊ में हैं, आज भी हैं, कल भी हैं, और हमारे नहीं, डिबेट के पहले मुझे देवकी नंदन मिश्रा ये कह रहे थे कि पंजा कितने पे लड़ेगा, ये सवाल आप सुरेंद्र राजपूत से जरूर पूछना कि पंजा कितने पे लड़ेगा। मैं देवकी नंदन जी को करबद्ध होकर के कह रहा हूं, पंजा 10 की 10 सीट पर लड़ेगा देवकी नंदन जी, चूंकि इंडिया गठबंधन। तो भैया साइकिल क्या मध्य प्रदेश जाएगी लड़ने? कितना कौन सा सिंबल? नहीं, साइकिल मध्य प्रदेश जाएगी। सुनिए ना, आप पूरी बात तो सुनते नहीं। मैंने साइकिल भी मध्य प्रदेश में भी लड़ेगी, क्यों नहीं लड़ेगी? उत्तर प्रदेश में भी लड़ेगी। पूरी साइकिल और पंजा दोनों मिलकर ही तो इंडिया गठबंधन हो रहा है। सिंबल कौन सा किसका कहां मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 की 10 सीटों पर पंजा लड़ रहा है, 10 की 10 सीटों पर साइकिल लड़ रही है, इसमें आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, ये अनिल दुबे के दर्द हो रहा है, मेरे नहीं हो रहा है। ये बीच में बोल रहे थे, ये मुझे उकसा रहे थे कि आपसे पूछे, अभी मैं रोका इनको। अरे दुबे ये इनको दर्द है, मैं तो दवाई खाए हूं, इनको खिलाओ। तो बड़े भाई है, नहीं, दुबे जी तो बड़े भाई हैं, ये खैर लड़ेंगे कि क्या नाम मीरापुर लड़ेंगे, ये अपनी जगह पर। मैं तो इनसे फिर कहता हूं कि अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाओ वापस। अरे वहां रह के जो कांड कर रहे हैं बीजेपी के साथ, वो तो आप ही के लिए खेल रहे हैं, यही बात तो अनिला जी कह रही थी सर। हमारे लिए आप मुझे फंसा रहे, हम तो ये कह रहे हैं जनता के लिए खेल, काम है सबको फंसाना, ये जनता के लिए खेल। और जिस तरीके से अनिला जी ने, जिस तरीके से घनघोर बेइज्जती अनिला जी ने करी है, किसकी कर दी? भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित प्रवक्ता ने, हमारी बड़ी बहन ने, किसकी बेइज्जती कर दी? अभी नहीं करी, किसकी कर दी? नहीं, किसकी बेइज्जती की? आरएलडी की करी साहब, जयंत जी की करी है, साफ साफ जयंत जी की करी। अरे आपने जब कहा नहीं कि आप तो कह पहले से करके, हम तो पहले से ही कह रहे थे ये लोग ऐसे, तो ये उनकी भावना है सर, क्या मतलब उसके लिए आप नेम्ड करेंगे उन्हें? सर नहीं, हम नेम नहीं करेंगे, हम तो अनिला जी को साधुवाद देते हैं, कम से कम सच बोलती हैं। भारतीय जनता पार्टी में कितने नेता हैं जो सच बोलते हैं? ठीक है सर, थैंक यू सर, मैं समाजवादी पार्टी के कम से कम सच तो, शुक्रिया सर, मैं मनोज जी को आमंत्रित कर